के सुपरस्टार आमिर खान का एक बार फिर तलाक हो गया है। आमिर ने अपनी पत्नी किरण राव से अलग होने का फैसला लिया है। आमिर खान और किरण राव ने अपने तलाक की खबर को शेयर करते हुए एक जॉइंट पोस्ट स्टेटमेंट जारी किया है। आमिर और किरण के तलाक की खबर फैंस के लिए बेहद शॉकिंग है। आमिर और किरण ने 15 साल पहले शादी की थी। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने आमिर और किरण का जॉइंट स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है, 15 सालों के साथ में हमने पूरी ज़िंदगी के अनुभव साझा किए, खुश रहे, हंसे और हमारा रिश्ता केवल भरोसे, सम्मान और प्यार पर आगे बढ़ा। अब हमने अपनी ज़िंदगियों को एक नया चैप्टर शुरू करने का फैसला किया है। अब हम एक पति पत्नी के तौर पर नहीं बल्कि को पेरेंट्स और एक दूसरे के परिवार के तौर पर रहेंगे। हमने कुछ समय पहले अलग होने की योजना बनाई थी और अब हम अलग हो चुके हैं। आमिर और किरण ने अपने बेटे आज़ाद के बारे में कहा है, हम अपने बेटे आज़ाद के लिए एक समर्पित पेरेंट्स बने रहेंगे और उसको साथ में पढ़ा करेंगे। इसके अलावा हम फिल्मों, पानी फाउंडेशन और अन्य प्रोजेक्ट्स में भी साथ काम करते रहेंगे। हमारे परिवारों और दोस्तों का सपोर्ट और हमारे रिश्ते को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बिना हम ये इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाते। हम अपने शुभचिंतकों के आशीर्वाद की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी तरह आप भी इस तलाक को एक अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत की तरह लेंगे। शुक्रिया किरण और आमिर। बता दें कि 56 साल के आमिर ने साल 2005 में किरण राव से शादी की थी। आमिर ने इसे पहले 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी। आमिर और रीना के दो बच्चे जुनैद और आयरा खान हैं। आमिर और रीना का तलाक साल 2002 में हुआ था। आमिर खान अब अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगे, जिसके इस साल क्रिसमस पर रिलीज होने की उम्मीद है।